अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल विद अनदर न्यू वीडियो। और आज की वीडियो में आप लोगों के साथ कुछ कार की एक्सेसरी शेयर करूंगी। जिन लोगों ने मेरी प्रीवियस वीडियो देखी है कि आप पिकांटो के ऊपर, तो ये उसी से रिलेटेड एक न्यू वीडियो है। और यहाँ पर हम लोगों ने कुछ एक्सेसरीज़ मंगवाए थे autojin.pk से। इसके बारे में मैं आप लोगों को कुछ रिव्यूज़ भी दूँगी, और ये बिल्कुल स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, तो ये मत समझिएगा। तो मैं आप लोगों को अपने ऑनेस्ट रिव्यूज़ दूँगी। कार के लिए कुछ चीज़ों की ज़रूरत थी हमने, जैसे कि ये हमारा जिस तरह का पाकिस्तान का वेदर है, गर्मी से बचने के लिए इंसान मतलब कोई लोग शेड्स लेते हैं, कुछ टिंट करवाते हैं, तो हमने ये किया पिकांटो के ओरिजिनल लोगों के साथ ये शेड्स मंगवाए हैं। और ये इसमें से हमें एक शेड पे लगा था थोड़ा सा कि धागे वगैरह निकले हुए हैं, अदरवाइज़ इन्होंने पैकेजिंग उसकी काफ़ी अच्छी की हुई थी और बहुत सेफली ये शेड्स पहुँच गए थे। कहीं से कोई शेड टेढ़ा नहीं था, कुछ भी नहीं था, मतलब कि मैं इसके मतलब पैकेजिंग से सेटिस्फाइड हूँ। और ये मैं इंशाल्लाह एंड में आप लोगों को प्राइस भी टोटल करके बताऊंगी। अभी मैं आप लोगों को और भी चीज़ें दिखाती हूँ मैंने क्या क्या एक्सेसरीज़ मंगवाई थी। अच्छा, एक ये है माइक्रोफाइबर टॉवल, ये बड़ा ज़बरदस्त, आपको पता ही होगा इसका ये होता है, और काफ़ी सॉफ्ट सा था और काफ़ी अच्छा था। टू कलर्स में मतलब था, ग्रे शेड भी था, येलो शेड भी था, और आप इसको गाड़ी को साफ़ करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। बहुत सॉफ्ट सा इसका मटेरियल था, क्वालिटी वाइज मुझे ये बहुत बेहतरीन लगा। और अभी मज़ीद इसको यूज़ करेंगे तो ऑब्वियसली मैं आपको आगे रिव्यू दूँगी। ये दो अलग अलग नहीं है, ये एक ही है बेसिकली। अगर आप लोग इसको मंगवाने में इंटरेस्टेड हैं तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और autojin.pk से आप इसको आराम से मंगवा सकते हैं। आजकल उनकी जो वेबसाइट के ऊपर सेल भी लगी हुई है, तो आप उस सेल से फ़ायदा भी उठा सकते हैं। अच्छा, ये दूसरी जो चीज़ है वो ये है, ये ग्लैडिएटर का है डैशबोर्ड पॉलिश। और ये कहा जाता है, मतलब ये क्लेम करते हैं कि ये सबसे अच्छा पॉलिशर है, और इसका जो जो इसकी फ्रेग्रेंस है वो स्ट्रॉबेरी की है। और मतलब कि अब इसको यूज़ करेंगे तो इंशाल्लाह इसका मैं रिव्यू भी आप लोगों को दूंगी। अच्छा, एक और जो नेक्स्ट प्रोडक्ट है वो है हार्ड वैक्स, और ये इसको यूज़ किया जाता है गाड़ी के एक्सटीरियर के लिए, और आपकी कोई भी गाड़ी हो, किसी भी कलर की गाड़ी हो, उसके लिए आप यूज़ कर सकते हैं। ये भी ग्लैडिएटर का ही है, और इसको भी जब हम यूज़ करेंगे तो इंशाल्लाह इसके लिए रिव्यू देंगे। ये अंदर से कुछ इस तरह से, इसके अंदर एक स्पॉन्ज भी आता है, और अगर इसको ओपन करें तो देखते हैं कि ये अंदर से कैसा दिखता है। अंदर से ये कुछ इस तरह से दिखता है, और इसकी फ्रेग्रेंस मैं कह सकती हूँ कि जैसे मोर्टीन का इंसेक्ट किलर होता है, उसकी तरह से लगती है। बाकी ये कि इनका डिटेल रिव्यू मैं आप लोगों को इंशाल्लाह कुछ दिनों में दूंगी, इनको यूज़ करके दूंगी कि वाकई ये चीज़ें कारामद साबित हुई हैं कि नहीं हुई, और फिर उसके बाद आप लोग ले लीजिएगा। और अगर आप लोग पहले से इन चीज़ों को यूज़ कर रहे हैं तो फिर तो ऑब्वियसली आपको पता होगा, मुझे कॉमेंट सेक्शन में फ़ीडबैक दीजिएगा। और दूसरे ये कि इंशाल्लाह इन फ्यूचर बहुत सारी कार से रिलेटेड इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ आने वाली हैं। नेक्स्ट इंशाल्लाह व्लॉग जो होगा कार से रिलेटेड, वो कार का रिव्यू होगा, और जो मोस्ट आस्क्ड सवालात हैं उनके जवाबात होंगे, ऑनर रिव्यू होगा, और एक जो बहुत ज़्यादा हाइलाइटेड एक है सवाल के जो कि आप पिकांटो की रियर सीट्स के ऊपर लेग स्पेस कैसा है, उसके बारे में मैं इंशाल्लाह बहुत जल्द आप लोगों को रिव्यू दूंगी। रमज़ान की वजह से थोड़ी सी मसरूफियात है, जिसकी वजह से थोड़ा सा व्लॉग लेट हो रहा है, बट ये इंशाल्लाह बहुत जल्द आएगा। तो इसके लिए मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर दें, ताकि जब मेरी कोई न्यू वीडियो आए तो उसको नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए और आप कोई वीडियो मिस ना कर सकें।
अल्हम्दुलिल्लाह, इट्स बीन अ वीक और मैं अभी तक, मुझे इस गाड़ी से रिलेटेड हर चीज़ बहुत अच्छी लग रही है, बहुत अच्छी लग रही है अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। मैं, मेरा डिसीजन जो था वो सुजुकी कल्टस और पिकांटो में, मतलब बहुत ज़्यादा मैं कंफ्यूज थी, तो मैंने मुझे अपने डिसीजन पर अल्हम्दुलिल्लाह मैं सेटिस्फाइड हूँ। और आप इन एक्सेसरीज़ को इस तरह डिग्गी में, ट्रंक में, इस तरह ये जगह बनी हुई है यहाँ पर भी आप रख सकते हैं एक्सेसरीज़ को, तो मैं यहाँ पर रख के चेक कर रही थी। और क्योंकि ज़ाहिर है गाड़ी की चीज़ें हैं तो बार बार गाड़ी के लिए यूज़ होंगी, तो मैंने कहा इधर ही सेव कर लें। शर्ट्स अच्छी हैं, इजीली फिक्स हो गई हैं। अगर आप लोग भी इंटरेस्टेड हैं, आप लोग जाएं जाके वहाँ से ले लें, क्योंकि आजकल इनके ऊपर सेल है, तो अच्छे आपको मिल जाएंगे, सही प्राइस में मिल जाएंगे। चलिए जी, मैं यहाँ पर ब्लॉग को एंड करती हूँ, और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में मेरी फैमिली को याद रखिएगा।